वैसे भैयों, मोटो जी 13 पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिवाइस की ग्राफिक, स्मूथ में अल्ट्रा, बैलेंस में अल्ट्रा, HD पर हाई, आगे HDR औकात से बाहर। यहाँ से आगे डिवाइस की ग्राफिक को स्मूथ में अल्ट्रा करके कलरफुल 2x करके सेव करते हैं और सीधे चलते हैं BGMI की गेम प्ले की ओर। वैसे भाइयों, तुम्हारा भाई करने वाला है 20 के YouTube फैमिली कंप्लीट होने पर 3 स्मार्टफोन का गिव अवे, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करना कंपलसरी है और साथ ही साथ Scam47 गेमिंग के इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। वैसे भैयो, मोटो G13 को लेकर मैं सीधे उतर गया छोटू टेम्पल के ऊपर। वैसे इस डिवाइस में आपको MediaTek Helio G85 का 4G चिपसेट मिलता है और इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस डिवाइस का प्राइस रेंज 10,000 के अंदर आता है और तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम अंडर 10 के आने वाला स्मार्टफोन इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि Moto G13 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, अंडर 10 के आने वाला स्मार्टफोन और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। ये बंदा गया कहाँ पर? ये लॉक, एक और बंदा, गजब सी, हल्का सरेंडर। फिलहाल कोई समस्या है नहीं। यहाँ से आगे बात करते अपन डिवाइस के अंतुतु स्कोर की। डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 2,40,000 से ऊपर आता है। वैसे मैं टेंपल से निकलकर सीधे रिकॉल टावर जा रहा था, एक बंदा दिखा रास्ते पर, ये नॉक, और एक बंदा स्प्रेबाजी कर रहा है और यहाँ पर गजब सील, बंदा तो डैमेज भी हो गया यहाँ पर। यहाँ से आगे डिवाइस के हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन देखते अपन। Moto G13 में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, नॉर्मल LCD स्क्रीन मिलती है, इसके अलावा डबल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे आपको और मेरे पास Moto G13 का 4GB रैम, 128GB रोम वाला ऑप्शन है, मीन्स वेरिएंट है। वैसे इस डिवाइस में जायरोस्कोप, जी हाँ, एक्यूरेट काम करता है। बाकी Helio G85 जिन डिवाइसों पर आता है उन डिवाइसों के अक्सर जायरोस्कोप डिले होते हैं, लेकिन भाई साहब Moto G13 का जायरो एकदम बराबर काम कर रहा है, कोई भी समस्या है नहीं। यहाँ से आगे दूसरे रिकॉल टावर के पास बंदे, एक भाई साहब सीधे फिनिश। ये झाड़ के पास बंदे हैं, एक बंदा ना। वैसे यहाँ पर गाड़ी पर बैठे बैठे हल्का हल्का रेंडर फील हो रहा था, लेकिन भाई साहब अब 4GB रैम के फ़ोन से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए वो नॉक था वहाँ पर, एक और बार गजब सील, बंदा गाड़ी में बैठ के फाड़ी होने का प्रयास कर रहा था। यहाँ से अंदर स्मोक पर एक और बंदा है और यहाँ पर देखिए Moto G13 का फायर रेट अच्छा खासा है, लेकिन भाई साहब रेंडर आपको फील होगा, लेकिन अगर आप इंटरनल स्टोरेज को ज़्यादा नहीं भरोगे और साथ में रिसोर्स पैक को डाउनलोड नहीं करने का, तो ये डिवाइस आपको अच्छी खासी सर्विस दे देगा। बात तो सही है, कम से कम एक साल तक। वैसे अभी BGMI पर कोई भी अपडेट है नहीं, मेरे हिसाब से BGMI पर अपडेट आने के बाद डिवाइस थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस घटा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन बढ़ा भी सकता है। वैसे भी अंडर 10,000 इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको शायद ही कोई डिवाइस प्रोवाइड करे। फिलहाल तो मार्केट पर अंडर 10,000 आने वाले स्मार्टफोनों के जायरोस्कोप बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डिले देते हैं। एक बंदा था डैमेज और एक बंदा नीचे, जी हाँ, और एक बंदा दिखा, देखिए फायर रेट, ये बंदा नॉक, और यहाँ पर पेटीनेस। लेकिन भाई साहब एक चीज़ आपको इस डिवाइस पर फेस करनी पड़ेगी, सामने वाले बंदे को बहुत सारी गोली मारनी पड़ेगी तब जाके वो नॉक होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ, जिससे आपको डिवाइस की ओरिजिनल परफॉर्मेंस पता चल रही होगी। और मैंने डिवाइस पर ऊपर की ओर ग्रीन कलर से FPS मीटर चालू करके रखा हूँ, जो कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस मुझसे ज़्यादा आपको बता देगा। और हाँ, मैं आपको ये डिवाइस अंडर 10 के, जी हाँ, भरोसे के साथ सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मीन्स 10 के आने वाले स्मार्टफोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। गजब सील, एक बंदा पीछे की ओर पर सांप बनकर लेटा हुआ था, दिखा नहीं साला। गजब सील, अरे और भी बंदे हैं पीछे, एक बंदा नॉक। यहाँ से आगे चलते हैं, वैसे मैं पैदल नहीं जाऊँगा, बग्गी उठाता हूँ। देखिए इस बग्गी का एक टायर फूटा हुआ है,
कोई दिक्कत है नहीं, देखते हैं चलाकर। और यहाँ पर इस आखिरी वाले घर पर और भी बंदे हैं। जी हाँ, बंदे स्प्रेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भी स्प्रेबाजी करता हूँ। वैसे मुझे तो इस डिवाइस का फायर रेट बहुत ज्यादा पसंद आया। और यहाँ पर ये क्या था? अरे भाई साहब, मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। ये बंदा आया तो आया कहाँ से नीचे? या मुझे लेट दिखा या फिर डिवाइस को लेट दिखा। गजब सीर, अरे किसने मार दिया यहाँ पर? साला मेरा सपना तो सपना ही रह गया। मोटो जी 13 पर मीन्स ये स्मार्टफोन अंडर 10 के आता है, जिस पर मैं 20 किल करना चाहता था। ये साले कैंपरों ने पेटी बना दी मेरी। एक बंदा आया, ये नॉक। और यहाँ पर ये देखिए, ये कहाँ कहाँ से आ रहे लोग। ये था आखिरी बंदा, सीधे फिनिश। वैसे तो मुझे मोटो जी 13 पर गेमिंग करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर आपको अंडर 10,000 एक फोन लेना है जिस पर आप गेमिंग कर सको एक नॉर्मल लेवल पर, तो आप मोटो जी 13 को पिक कीजिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।